जय हिंद साथियों। साथियों बात करेंगे मध्य क्षेत्र सिपाही भर्ती में, जिसका कि फिजिकल चल रहा था, 689 पदों के लिए फिजिकल चल रहा था और फिजिकल आपको वनली फॉर वन डे हुआ, उसके बाद से कैंसिल हो गया। सबसे पहले डिपार्टमेंटल सूचना सुनाई गई बच्चों को और साथ ही साथ वहां पे नोटिस भी लगाया गया और अंत में फिर आपको दोपहर के टाइम CSBC के ऑफिशियल साइट पर यह दे दिया गया कि 689 पदों का जो फिजिकल चल रहा था गर्दनीबाग पटना हाई स्कूल में, भारी बारिश के वजह से, ग्राउंड में पानी होने की वजह से ये फिजिकल 22, 23 और 24 स्थगित की जाती है। और आज आपका लास्ट डेट है यानी 24 तारीख है और हमारी इस भर्ती पर बहुत पैनी नजर है, इसलिए है क्योंकि ये फिजिकल आप लोगों का जल्दी होने वाला है। जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं जिनका अभी फिजिकल नहीं हो रहा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप लोग करते रहिए, हर दिन करिए। हालांकि मौसम खराब भी हो रहा है तो हाई जंप करने में अब तो गद्दा भी नहीं तो बालू पे आपको जंप करना है, ये बात तो बहुत पहले बता दी थी आज से 20 दिन पहले ही। तो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से ठीक है, जो नहीं किए जो भी टाइम आपको मिला है आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यदि प्रॉब्लम आपको हाई जंप में हो रही है इस भाई को याद करिए और एक बार एक दिन 5 मिनट का समय निकाल कर मैं वादा करता हूँ और मैं दावा करता हूँ कि आपको सिखा दूंगा। चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। साथियों इतना जरूर जान लीजिए कि क्या अचानक CSBC आप सभी को ऑफिशियल नोटिस जारी करके, जैसे कि मान लीजिए आज 24 तारीख आज खत्म हो गए, क्या 25 आज बारिश खुल गई, मान लीजिए क्या 25 से या 26 तारीख को नोटिस दे के 27 से एक दिन पहले नोटिस जारी करके फिजिकल ले सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम जब भी आपको नोटिस दिया जाएगा कम से कम आपको 3 दिन का वो टाइम अवश्य देगा। ये बात आप सभी नहीं जानते होंगे और ये बात किसी को जानकारी भी नहीं होगी। देखिए हमारी इस भर्ती पर पैनी नजर है, हमने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट यानी अभी वहाँ पे बात भी किया है कुछ लोगों से, कुछ अधिकारियों से भी बात हमारी अभी हुई है। तो अभी भी टेंट वेंट लाइट साइट सब इसीलिए लगा है और पुलिस फोर्सेज जो अलग अलग जगहों से आई थी अभी भी सब यही है। कारण एक ही है, क्यों पुलिस फोर्सेज जो अलग अलग बटालियन अलग अलग कंपनी से आई थी क्यों नहीं भेजा गया, इसके पीछे वजह यही है कि चेयरमैन साहब का कहना है कि जैसे ही बारिश 2 दिन खुलती है तुरंत नोटिस दिया जाएगा, ऑफिशियल नोटिस आएगा और जैसे ही कोई ऑफिशियल या डिपार्टमेंटल नोटिस आएगा, इतना तो आप सभी को यकीन होता ही होगा, भरोसा होगा ही कि गुरुजी द्वारा जो भी बात बताई जाती है वो 100% सच होती है और सबसे पहले कोई सूचना यहीं से दी जाती है, कोई बगलाने का कोई काम नहीं किया जाता। जो भी सूचना हमारे पास स्पष्ट आती है, जो जानकारी सही रहती है वही जानकारी आप सभी को दी जाती है। तो जितने सारे मध्य से सिपाही अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी नोटिस आएगा इतना जरूर जानिए कि ये लगभग ये अनुमानित है कि आपको वहां से 3 दिन, जैसे कि मान लीजिए कि आज 24 खत्म हो गया, मान लीजिए उसको फिजिकल लेना होगा बारिश ग्राउंड, मान लीजिए एक डेट मानते हैं, मान लीजिए कि हमको फिजिकल लेना होगा 27, 28, 29 तारीख से, तो वो बोर्ड सबसे पहले 3 दिन पहले ये नहीं कि आज नोटिस दिया कल से फिजिकल चालू कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वजह है कि कुछ अदर स्टेट के भी लड़के रहते हैं, कुछ दूर दूर से बिहार में अन्य जिलों से दूर दूर से के बच्चे रहते हैं, तो ये बोर्ड हर उस चीज के बारे में सोचता है समझता है, तो वो कोशिश करता है कि जैसे ही मान लीजिए एक दिन तो नोटिस आएगा, ये नहीं कि उसके अगले दिन फिजिकल होगा, ये कभी नहीं होगा। मैं वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहे, क्योंकि आप ये भी सोच रहे हैं कि अचानक बहुत सारे बच्चों का कॉल है सर अचानक कहीं हमारे, देखिए फिजिकल नोटिस आने के बावजूद भी हर दिन कुछ लड़के उन लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि भाई जिंदगी का सवाल है। हम देख रहे हैं कि कल भी कुछ लड़के आए थे फिजिकल के लिए, उनको नोटिस पे भरोसा नहीं, काज वो दिन ले लेगा था, फिर आज 24 तारीख आज भी बहुत सारे लड़के ग्राउंड आके घूम के गए जिनका आज फिजिकल था, कारण यही उनको उस नोटिस पे भी लगता है कहीं फेक हो जाएगा क्या, कारण ये होता है कि बहुत सारा एडिटिंग भी चलते रहता है तो इसलिए थोड़ा सा घबराया रहता है। लेकिन इतना जरूर जानिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी सूचना हमारे पास जैसे ही डिपार्टमेंटल कोई भी सूचना आती है सबसे पहले मैं आप सभी को दूंगा और बताऊंगा कि कब आपका फिजिकल होगा, बाकी तो ऑफिशियल साइट पर आएगा तो आप देखिए लेंगे, जब भी ऑफिशियल साइट पे आपको नोटिस आएगा आप देख सकते हैं। तो साथियों बताने का तात्पर्य यही था कि जब भी आपका नोटिस आएगा यानी फिजिकल के लिए, तो कम से कम आपको कम से कम जिस आज आएगा तो कल आपका फिजिकल कम से कम ये 3 दिन, कितना दिन, 3 दिन का और टाइम मिलेगा फिजिकल से, ये बात हमारी समझ गया, बता भी दिए कि कैसे, क्योंकि आज नोटिस आएगा बाद तो फिजिकल होगा नहीं,
मान लेते कल 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 फिजिकल लेगा, नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके अगले दिन फिजिकल कभी नहीं हो सकता है, फिर तो इसलिए कभी भी होगा तो 3 दिन के बाद ही होगा। तो हमारी बातें समझ गए, यही उद्देश्य था समझाना। और इतना जरूर जानिए कि आपका फिजिकल अभी जो बोर्ड है और जो हमारे चेयरमैन साहब है वो जल्दी लेने के मूड में, इसीलिए कोई भी बटालियन कोई भी कंपनी आई है, जो भी पुलिस फोर्सेस आई है, किन्हीं को नहीं भेजा गया है, ये जानकारी हमारे पास है। तो आप इतना जरूर जानिए कि अभी भी ये सुस्त नहीं पड़ जाना है कि हमको बहुत दिन बहुत समय टाइम मिलने वाला है, चल थोड़ा और, नहीं, जो भी टाइम मिला है समझिए आपको हर दिन सही उस टाइम का सदुपयोग करना है और जी जान से मेहनत करना है और अपने सफलता को पाना है और अपनी जो वीरता की गाथा है उसको लिखना है। चलिए एक बार पुनः जितने सारे मन निषेध सिपाही अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को पूरी टीम की ओर से आपको उज्जवल भविष्य के लिए आपका भाई गुरुजी ढेरों सारी शुभकामना बधाई दे रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।